आज यानी 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है। इस बार की थीम पृथ्वी पर जनजीवन को बनाए रखना इस बात पर प्रकाश डालती है कि सभी जंगली जानवर और पेड़ पौधों को जीवित रखना बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही ये लोगों के जीवन यापन पर भी प्रभाव डालती है, खासकर उन लोगों के जो प्रकृति के नजदीक रहते हैं। ये दिन खास तौर पर SDG 1 के साथ मेल खाता है, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है। वहीं SDG 12, 14 और 15 के साथ भी इसका मेल है, जो स्थायी खपत, सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण, वनों का लगातार प्रबंधन, रेगिस्तान से निपटने और रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन जैसे मुद्दों पर आधारित है। इस मौके पर आज हम जानेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने अपने जीवन में एक पूरा जंगल खड़ा कर दिया ताकि जंगली जानवरों को उनका घर मिल सके। ये हैं असम के जोरहाट में रहने वाले जाधव पाए, जिन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आपने इतने साल से शुरू किया पेड़ लगाना, यंगस्टर्स आपको लगता है गांव के बच्चे और जो नई पीढ़ी है वो इसे फॉलो करेगी आगे? करेगी, आजकल तो सब कर रहा है। अच्छा। ये नहीं आए हमारे इधर कर रहे, नहीं ना इंडिया में कर रहा, ऑल ओवर वर्ल्ड भी कर रहा है। अच्छा, ये से नहीं कर रहा है। तो जैसे आप जाते हैं क्लासेस लेते हैं, बच्चों को समझाते हैं, आपने अभी बोला कि जैसे IFS बन के अगर बाहर जाके दूसरे देश में वो करेंगे सेवा देंगे तो अपने देश के लिए क्या करेंगे? तो ऐसे आप कितने बच्चे बाद में आपसे जुड़ते हैं आकर कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है और आप कर रहा है तो हर स्टेट में गया था। तो अब बच्चे आते हैं आपके पास पूछते हैं आपसे कि कैसे क्या करना है? जितने भी स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट सब लोग आया था, ये नहीं है इंडिया के भी आया था, ऐसे ही नहीं है। अच्छा, ऑल ओवर वर्ल्ड के स्टूडेंट आया था। अच्छा, बेल्जियम, स्वीडन, जर्मनी, USA, इटाली, स्विट्जरलैंड, सब लोग आया था। अच्छा, ताइवान से आया था, ताइवान से भी आए थे। अच्छा, आपको यकीन है कि अब आगे चलकर जो आपने काम किया एक देश के लिए वैसा सब बच्चे अब यंगस्टर्स आगे करेंगे? तो आपको लगता है कि हम लोग जो इतनी विपदाएं आ रही हैं, पानी की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, ये कम होगी? कम हो जाएगा, ये नहीं है इंडिया में करो, ऐसे ही नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड भी करना, वही ऑल ओवर वर्ल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आप बाहर के बच्चों को भी यही सलाह दे रहे हैं। अभी ताइवान में कर रहा है, USA में कर रहा है। अच्छा, बचपन से कर रहा है। अच्छा, बच्चों लोग ऐसे ही करना, आगे का वो जन्मदिन के दिन क्या करा है? जी जी, वो केक कटा है, आप एक पेड़ रुकने पड़ेगा, आज जो है उसका दोस्त जितने भी बुलाएगा ना, उसको एक एक पेड़ देगा। अच्छा, वो तो जल्दी जल्दी वो लोग भी पेड़ रुकने से भी नहीं होगा, पेड़ रुक के प्रतिपालन करके बड़ा करने पड़ेगा, तब ये बच्चों लोग तो उसका जितने भी इंडिया का बच्चों लोग का नॉलेज, ब्रेन और मन एक होने चाहिए, जब बचपन से वो सिखाएगा वो लोग तो करने सकेगा। और इंडिया के जितनी भी भाषा है, 14 भाषा है ना, उसका क्लास 10 तो का मातृभाषा का शिक्षा देने पड़ेगा। जब दूसरा का भाषा उस जाप दे देगा उसका ब्रेन खराब हो जाता है, इसके लिए इंडिया डेवलप नहीं होता। अच्छा। हम लोग का इंडिया का जो शिक्षा है ना, ब्रेन इन ब्रेन। तो मतलब अब इन बच्चों को अगर हम शुरू से ही ये प्रकृति बचाने का संदेश देंगे, तो वो लोग तो कटने नहीं का, जब एक लड़का LP स्कूल में एडमिशन रहेगा एक पेड़ रुपए, प्रैक्टिकली 5 साल बड़ा करने पड़ेगा, एग्जाम में पास होगा, उसका ऑक्सीजन वो लेगा। अच्छा। दूसरा 5 साल में और एक पेड़ रुपए का विश्ववासी को दे, तब साल भर इंडिया कितने स्टूडेंट एडमिशन देता है, 2 साल में कितना हुआ, 3 साल में कितना हुआ, 4 साल में कितना, 5 साल, 10 साल में इंडिया ही गिन हो जाएगा। वो लड़का बस नया रेती बसाएगा, उसका पेड़ कटने नहीं देगा, पेड़ के ऊपर पक्षी बैठेगा मारने नहीं देगा, पेड़ के नीचे जानवर बैठेगा वो लोग मारने नहीं देगा, आदिम युगों से जो संरक्षण कर नहीं पाया वो लोग करेगा। साल 1979 में 16 साल की उम्र में जाधव ने बड़ी संख्या में सांपों का एक झुंड देखा जो अत्यधिक गर्मी के कारण मर गए थे। सांडबार नामक जगह पर उनके शव बाढ़ में बहकर आ गए थे, यही कारण है जब उन्होंने पहली बार सांडबार में 20 बांस के पौधे लगाए। उन्होंने साल 79 में जंगल पर काम करना शुरू किया जब गोलाघाट जिले के सामाजिक वानिकी प्रभाग ने जोरहाट जिले के कोकिलामुख से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अरुणा सपोरी में 200 हेक्टेयर जमीन पर वृक्षारोपण की योजना शुरू की। मोलाई नामक वो प्रोजेक्ट लगभग 5 साल तक चला,
प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद अन्य श्रमिक तो चले गए, लेकिन जाधव ने वहीं रहने का फैसला किया। उन्होंने न केवल पौधों की देखभाल की बल्कि क्षेत्र को एक जंगल के रूप में बदलने के प्रयास में अपने दम पर और अधिक पेड़ लगाना जारी रखा। इस जंगल में, जिसे आज मोलाई वन के रूप में जाना जाता है, अब बंगाल के बाघ, भारतीय गेंडे और लगभग 100 से अधिक हिरण और खरगोश हैं। मोलाई वन में बंदरों और पक्षियों की कई किस्मों का घर है, जिसमें बड़ी संख्या में गिद्ध भी शामिल हैं। जाधव का मानना है कि यदि आज की पीढ़ी विदेश में जाकर काम करने की जगह यहाँ रहकर काम करे और पौधे लगाए, तो इस देश में जंगल और जानवर कभी खतरे में नहीं पड़ेंगे।